छत्तीसगढ़ में स्कूल खोलने को लेकर हरी झंडी देने के बाद पालकों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि शिक्षा विभाग स्कूल खोलने की तैयारी में है, लेकिन 1 जुलाई से स्कूल खुलेंगे या नहीं अभी तक तय नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि जब स्कूल खोला जाएगा तब पूरी सावधानी बरती जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया है कि अभी 19,000 से ज्यादा स्कूल क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं जिसमें मजदूरों को रखा गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। मंत्री जी, पालक ये सवाल उठा रहे हैं कि एक से आदेश दे दिया गया है कि 1 जुलाई से स्कूल खोल ले जाए, तो किस तरह की तैयारी है? नहीं, तैयारी हम लोग की है, लेकिन अब क्योंकि 30 जून तक तो लॉकडाउन है, पर जितने हमारे स्कूल हैं करीब 1900 स्कूलों में तो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। वहाँ प्रवासी मजदूर वहाँ पर हैं, जो लोग संदिग्ध आपके मरीज हैं वो लोग वहाँ पर हैं, तो जब हम उनको खाली करेंगे, उनको सफाई करना पड़ेगा, उनको सैनिटाइज करना पड़ेगा, तब ना हमारा स्कूल लगेगा। तो 30 जून तक तो हमारा अभी लॉकडाउन ही है उसमें, तो तैयारी हमारी हम लोग करें। ऐसे कोई अभी निर्देश आदेश अभी जारी नहीं हुआ कि 1 तारीख को हमारे स्कूल खुलेगा, आगे पीछे हो सकता है। हम समीक्षा करेंगे इसमें कि कितने मजदूर अभी वहाँ पर रह रहे हैं, ताकि अगर हम लोग स्कूल खोलें, क्योंकि क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति विभाग उसमें प्रयासरत है कि बच्चे हमारे हैं और किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होता है वो भी नहीं होना चाहिए, और जब स्कूल संचालित जब होगा तो फिजिकल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहाँ पे बच्चे जितने एनरोलमेंट वहाँ पे हैं उसकी आधी हम वहाँ बुलाएंगे, और अगले हो सकता है कि अब कुछ क्लास एक दिन में लें, कुछ क्लास अगले दिन में लें, तो इस प्रकार की हमारा व्यवस्था रहेगी। जो बड़े बच्चे हैं उनकी किस प्रकार क्लास ले सकते हैं। अभी शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि ऐसे ही स्थिति बन रही है, हम लोग अपनी ओर से तैयारी में हैं, इस स्थिति को देखते हुए आगे का फैसला लिया जाएगा कि शाला कब तक खुलता है, समय आगे या पीछे हो सकता है। फिर हाल स्कूल खुलने के बाद जो स्थिति बनेगी उसके लिए जो शाला विकास समिति है उसको एक पावर दिया जाएगा, जिनके आधार पर वो निर्णय लेंगे। तो फिलहाल अभी स्कूल खोलने की तैयारी जारी है, अब देखना ये होगा कोरोना काल कब तक अपने दहशत में रखता है। कैमरामैन श्याम के साथ सत्यराजपुर, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।